फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 10 अलंकार और एक एक्सरसाइज जो हमें डेली बेसिस पे करनी चाहिए अपने रियाज के लिए। ये हारमोनियम स्टूडेंट्स और वोकल स्टूडेंट्स दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आरोह क्या होता है और अवरोह क्या होता है। आरोह होता है नीचे स्वर से ऊँचे स्वर पर जाना और अवरोह होता है ऊँचे स्वर से नीचे स्वर पर आना। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम अलंकारों में देखेंगे। आइए पहला अलंकार देखते हैं। इसका आरोह सा रे गा मा पा धा नी सा। और अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा। ऐसे ही दूसरा अलंकार, इसका आरोह सा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा। और अवरोह सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। ऐसे ही तीसरा अलंकार, इसका आरोह सा रे गा मा रे गा मा पा धा मा पा धा नी सा। और अवरोह सा नी धा पा नी धा पा मा गा पा मा गा रे सा। ऐसे ही चौथा अलंकार, इसका आरोह सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा। और इसका अवरोह सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। ऐसे ही अब पांचवा अलंकार, सा रे गा मा पा धा रे गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी सा। ये था आरोह। और अब अवरोह सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे सा। ऐसे ही अब छठा अलंकार, आरोह सा रे गा मा पा धा नी रे गा मा पा धा नी सा। और अब अवरोह सा नी धा पा मा गा रे नी धा पा मा गा रे सा। ऐसे ही सातवां अलंकार, आरोह सा गा नी मा गा पा मा धा पा नी धा सा। और अब अवरोह सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। आठवां अलंकार, आरोह सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा। और अवरोह सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। नौवां
नौवा अलंकार आरोह स स स रि 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नी 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 स स स। और अवरोह स स स नी 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 ध ध ध प प प म म म ग ग ग रि 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 और दसवां अलंकार आरोह सारी सारी गारी गारी गमा 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 पा मा पा मा पा धा पा धा पा धनी 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 सा। और अवरोह सानी सानी धानी धानी धा पा धा पा धा पा मा पा मा पा मा गा मा गा मा गा री गा री गा री सा। अब मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसमें सा सारी सा सारी गरी सा सारी गा मा गरी सा सारी गा मा पा मा गरी सा सारी गा मा पा धा पा मा गरी सा सारी गा मा पा धा नी धा पा मा गरी सा सारी गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गरी सा। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं एक स्वर बीच में ऐड होता जा रहा है। आइए इसे बजाते हैं। ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।